गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 3.2। ठीक है, 3.1 हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। ये पार्ट टू है हमारा चैप्टर 3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आपको स्क्रीन पर ये ग्रिड दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड हमें सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ये आपके बुक का पेज है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें करके दिखा रखा है तो हम इसे नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये आपको दिखाई दे रहा होगा 39 - 16 क्या है, 39 - 16। तो देखिए सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारी, ये 39 दिखाई दे रही है सभी बच्चों को, 39। तो हम क्या करेंगे, अपनी ग्रिड में क्या देखेंगे, 39 कहाँ है हमारा 39, देखिए ये रहा, मिल गया। अब 39 में हमें माइनस क्या करना है, 16। क्या माइनस करना है, 16। तो बैकवर्ड जाना है 16, तो काउंट कीजिए 1। आप चाहो तो जैसे मैं हमने बताया था कि आप क्रॉस भी लगा सकते हो इस तरीके से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। हमने क्या करा, क्रॉस किस लिए लगाए, ताकि हमें पता रहे कि हम इतने बैकवर्ड जा रहे हैं। हमें 16 तक बैकवर्ड जाना था, हमने काउंट करा 1, 2, 3 और हम 16 तक बैकवर्ड चले गए। हमारी वैल्यू क्या आई, 23। क्या वैल्यू आई हमारी, 23। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये क्या है हमारा, 99। तो 99 क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले चलिए 99 कहाँ है हमारा, 99 ये रहा, सब बच्चों को दिखाई दे रहा है 99। हाँ देखिए मैम ने यहाँ पे निशान लगा दिया 99, और माइनस कितने करने हैं हमें 99 में, 34। कितने, 34। तो चलिए काउंट करते हैं 1, 2। देखिए हम बैकवर्ड जा रहे हैं, जब हम एडिशन करते थे तो फॉरवर्ड जाते थे, यानी आगे की तरफ काउंट करते थे, और जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो पीछे की तरफ काउंट करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 2 हो गया हमारा, 3, 4, 5। आप चाहो तो जैसे मैं क्रॉस लगा रही हूँ, आप लिख सकते हो यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखो ये क्या है, आप काउंटिंग लिखो, क्रॉस लगाओ या सिंपल डैश लगा दो, ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि आपको किस में ज़्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, तो हमें माइनस क्या करना था, 34। कहाँ तक हो गया था हमारा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34। 34 जब हमने काउंट कर लिए बैकवर्ड में जाके, या इनको हमने क्रॉस कर लिया, तो जो नेक्स्ट वैल्यू बची, क्या बची हमारी, 65 इज़ आवर आंसर। ठीक है, क्या है हमारा आंसर, 65, वो यहाँ लिख दीजिए आप 65। नेक्स्ट आता है हमारा 72 - 9। ठीक है, क्या है, 72 - 9। तो हम ग्रिड पे जाते हैं, ग्रिड पे जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, 72 कहाँ है हमारा, 72 देखिए ये रहा हमारा 72, और कितना माइनस करना है, 9 माइनस करना है, तो 9 काउंट कीजिए। चलिए इसमें हम काउंटिंग लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने बैक काउंटिंग की, आया हमारा 63।
थ्री, तो ये ही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 63, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 माइनस 18 क्या है। 22 माइनस 18, 22 में से हमें माइनस क्या करना है 18, तो सबसे पहले 22 पे गए। अब आपकी मर्जी, आप काउंटिंग लिखना चाहते हो या क्रॉस करना चाहते हो या काउंट करना चाहते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 जब हमने काउंट कर लिए तो क्या है नेक्स्ट वैल्यू हमारी 4, तो यही क्या है हमारा आंसर। तो आगे लिख दीजिए क्या बचा 4। अब नेक्स्ट देखते हैं 46 माइनस 32 क्या है। 46 माइनस 32, तो सबसे पहले 42 देखिए हमारा कहाँ पर है। 42 सर्च करने के बाद 42 में से कितने माइनस करने हैं हमें, 46 में से हमें 32 माइनस करने हैं। चलिए करते हैं 46 में से 32, तो बैक काउंटिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो बचा क्या हमारा 14, और यही क्या है हमारा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 66 माइनस 7 क्या है। 66 माइनस 7, तो सबसे पहले 66 देखिए कहाँ पर है हमारा 66, ये रहा हमारा 66, इसमें से कितने माइनस करने हैं 7, तो लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने पीछे जाना था हमें 7 डिजिट पीछे गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया 59, कितना आ गया 59। इसी तरीके से ये सारी एक्सरसाइज है आपकी, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। कैसे करने हैं मैम ने आपको बता दिए, बहुत इजी है। माइनस करना है आपको विद द हेल्प ऑफ ग्रिड, 10x10 वाली ग्रिड है ये हमारी, हमने एडिशन में इसे देखा था, मैम ने ब्लैक बोर्ड पे भी आपको बना के दिखाया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। आपको इसे देख के याद आया होगा, जब मैम ने हमें एडिशन सिखाया था तो विद द हेल्प ऑफ लाइन मैम ने हमें हर वीडियो में बताई थी, क्या लाइन की हेल्प से हमें ऐड करना। जैसे आप देखिए फर्स्ट फिगर जो आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है 11, तो हमने एक लाइन बनाई, इस लाइन में हम 11 पे गए, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है आपको दिखाई दे रही होगी, ये कहाँ पे गई हमारी 11 पर, तो 11 से हमें बैकवर्ड जाना है कितना 5, तो देखिए कैसे गए 1, 2, 1, 1 तो ऑलरेडी ये है ही, 1, 2, 3, 4, 5 कितने पीछे गए हम 5 तक। अब कितने बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचे, समझ में आई आपको। दोबारा से देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, बी में क्या है 9, तो सबसे पहले हम कहाँ गए 0 से 9 पर। जब हम एडिशन करते थे तो हम आगे की तरफ जाते थे, अब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो पीछे की तरफ चलेंगे, तो 9 में से क्या माइनस करना है हमें 6, तो 6 पीछे चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब कितने बचे काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3 कितने बचे 3, वो 3 हम यहाँ लिख देते हैं। आगे चलते हैं क्या है 8, 0 से कहाँ गए हम सीधा 8 पर। अब हमें कितने बैकवर्ड जाना है 7, तो चलिए स्टार्ट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितना बचा सिर्फ 1 है ना, यही तो बचा हमारा सिर्फ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1,
नेक्स्ट डी देखिए 12। तो जीरो से सबसे पहली वाली डिजिट पे हम चले जाते हैं। 12 पे क्यों गए? क्योंकि सबसे पहले हमारा 12 है। 12 के बाद क्या माइनस करना है हमें? 6। देखिए क्या माइनस करना है? 6। तो पीछे जाइए बैकवर्ड में, 1 2 3 4 5 6। 6 पे आ गए, कितने बचे हमारे? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 से हमारे लेफ्ट। ठीक है, अब ई क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं क्या है ई क्वेश्चन में। 0 से कहाँ जाना है हमें? 9 पर, क्योंकि पहले डिजिट क्या है हमारी? 9। फिर बैकवर्ड जाना है यानी माइनस करने है 5, तो 5 हमें बैक जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बैक जाना, 1 2 3 4 5। गए हम बैक 5 तक, कितने लेफ्ट हुए हमारे बच्चे हमारे? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। 4 बचे, 4 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर एफ है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमने विद द हेल्प ऑफ लाइन एडिशन किया था, आज हमने सब्सट्रैक्शन किया है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैम ने लाइन के हेल्प से कैसे बताया था, क्योंकि हमने एडिशन में लाइन के हेल्प से ऐड करना बहुत अच्छे से सीखा था। और इसमें क्या करना है हमें? बैकवर्ड जाना है, उसमें हम आगे जाते थे। देखिए जैसे हम ले लेते हैं एक छोटी सी चीज, आपको मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। जैसे एडिशन जब हम करते थे, सपोज कीजिए कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये प्लस ना हो माइनस ना हो के प्लस है। यहाँ पे लिखा है 9 प्लस 6। तो जब हम एडिशन करते थे कैसे करते थे? सबसे पहले 9 पे जाते थे, 9 पे जाने के बाद हमें 6 काउंट करने थे। तो 6 काउंट करते थे, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 15, वो हम लिख देते थे। अब इसमें क्या करना है? प्लस में क्या जाते थे? आगे की तरफ, और माइनस में कहाँ जाते? पीछे 1 2 3 4 5। तो यही चीज है आपको अच्छे से समझनी है, अपनी कॉपी में करनी है। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है आपके लिए, मैं होमवर्क में दे रही हूँ। लास्ट वाला जो हमारा एफ क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।